जाके मैनू राजकुमारी वास्ते परफेक्ट एक्ट्रेस मिली है। बिल्कुल मेरी जैसी। बस इस बार प्रिंसिपल सर इस प्ले से खुश होकर मेरा प्रमोशन कर दे। हां जी, आपका प्रमोशन का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं मिस सितारा, मैं वो एक्टर हूँ जिसने माँ बोलने से पहले सिनेमा बोलना सीख लिया था, मगर जब ये सिनेमा बोलना सीख रहा था तब मैं सिनेमा देख रहा था। क्यों, तू थिएटर में पैदा हुआ था क्या? चुप, हंसी के हंगामे। चुप, किसको बोला रे? ओए बंद करो ये ड्रामा श्रामा। वैसे मैंने प्लेड वास्ते परफेक्ट राजकुमारी मिल गई है। अब जाइए गोल्डन गंज दे महाराज, यानी राजकुमारी मिलनी थे डैडी। नो मैम, नो मैम, मैं डैडी टाइप नहीं लगता, ये हमारे परमानेंट महाराज। जा जा लकी, डेमो दे मैम को, डेमो दे। मैंने कहा था ना, राजा का रोल सिर्फ और सिर्फ तुसी करोगे। चलो चलो, बारी आती है हमारे प्ले के राजकुमार प्रिंस चार्मिंग को चुनने की। और तुम ही दोनों राजकुमार बनके ना राजकुमार को तलवार चलाना सिखाओगे। और तुम दोनों लक्ष्मणो, तुम ना, तुम गोपाल और माधव के सैनिक यानी असिस्टेंट समझ रहे हो ना, उनका रोल करोगे। हाँ। चलो चलो टेक पोजीशन, चलो चलो एवरीवन, चलो चलो। डोंट वरी गोपू, इस फ्रॉड माधव को तो ऐसा पत्ता काटेंगे कि ये प्ले में तो क्या तेज पे आने की भी सोचेगा नहीं। माधव, ये तेरे कॉस्ट्यूम में खिड़की किसने बना दी? खिड़की? लक्ष्मण, ये डाली माला और ये मुकुट, लग रहा हूँ ना राजकुमार। तू ही ट्रू प्रिंस है गोपू। वही वही जो लोग मुझसे जलते हैं। अब क्या होगा? वसूली भाई है ना? अरे अपने वसूली भाई, मैंने उन्हें बता दिया है। वसूली भाई मेरे लिए जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, शानदार प्रिंस का कॉस्ट्यूम लेकर आ रहे हैं। डोंट वरी गोपू, मैंने तेरे एंट्री के लाइन ऐसे चेंज किए हैं कि बाकी सारे प्रिंस तेरे आगे फीके लगेंगे। पर माधव, वसूली भाई तेरी कॉस्ट्यूम लेकर अंदर कैसे आएंगे? नाले माधव, तेरी कॉस्ट्यूम मैं पहन के अंदर आ रहा हूँ, मन्ने कोई नहीं पहचान पाएगा। बाबा, ये कौन चोरी छुपे अंदर चला जा रहा है? इस तरफ। प्रणाम महाराज। सुनो सुनो सुनो, गोल्डन गंज के महाराज ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए तलवारबाज। बारी बारी किस्मत आजमाएंगे आने वाले राजकुमार जंगबाज। होशियार, प्रिंस फ्रॉम मोनाली द ग्रेट गोपाली सन ऑफ सूरमा भोपाली आ रहे हैं। है? किस राजकुमार को बुला रही है? प्रणाम महाराज। हाय राजकुमारी। मुझे भी माधव के लिए ऐसे ही धमाकेदार लाइन्स बोलने पड़ेंगे। खबरदार, चौको बार, कैंडी बार और बार बार, प्रिंस माधव आनंद स्ट्रेट फ्रॉम लंदन आ गए करने देख दरादन। अरे हाय, किस प्ले द डायलॉग बोल रहे हैं? सत्यानाश, मेरी एंट्री का टाइम आ गया है और ये वसूली भाई अब तक कॉस्ट्यूम लेकर नहीं आए, क्या करूं? कहीं वो पकड़े तो नहीं गए? अभी ढूंढ के आता हूँ। इस माधव ने अब क्या ढूंढूं? माधव आनंद आओ ना धनाधन। ओए माधव, ओए तू एक्टिंग की कर रही है? अरे तेरी एंट्री, जाओ ना, अरे जा जा। नहीं मैडम जी, नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा सकता। ओए ऐसा कैसे नहीं जाएगा, तो तेनू जाना ही
ही पड़ेगा। और ये आए हमारे प्रिंस फ्रॉम लंदन, करते धन धराधन धन। अरे छोरो, ये वसूली को क्यों सूली पे चढ़ा दिया? बाला, ये घुसपैठिया तो सीधे स्टेज पर पहुंच गया। अरे भाई, ये मुझे ना हो पाएगा। ओए, तुम प्रिंस हो प्रिंस, ऐसे मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। अरे मैडम जी, हर कोई मैदान छोड़ के ही जाता है, कोई शायद थोड़ी ले जा सकता है। ड्रामा करना है तो यहाँ नहीं, वहाँ जाओ। क्या हुआ प्रिंस फ्रॉम लंदन, करना नहीं है दे दनादन? प्रिंस आनंद, जाओ लड़ो, लो तलवार लो, अरे लो ना। तोड़ दिया रे मारा। पता नहीं ये वसूली भाई कहाँ रह गए। ये कौन है जो मेरा रोल कर रहा है? वसूली भाई, स्टेज पर प्रिंसिपल सर के सामने। क्या करूं क्या करूं? वाह, क्या आइडिया आया है, अब तो हीरो बनना ही पड़ेगा। वो क्या हो रहा है, इतिहास में वर्तमान कैसे घुस गया? राजकुमार, मैं आपके अग्नि दूत का ड्राइवर, आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। गाय भैंस और बकरी का दूध का नाम तो सुना था, ये अग्नि दूध कोई नया नाम है क्या? वसूली भाई भी ना। वसूली भाई, मैं माधव, निकलो यहाँ से जल्दी। ये क्या खुसर बुसर चल रही है, चुपचाप लड़ाई करो चलो। अरे वो क्या है कि राजकुमार यहाँ गलती से आ गए, निकले थे करने अग्नि दूत की सवारी, आ गए वहाँ जहाँ थी राजकुमारी। चलिए राजकुमार। अग्नि दूत, अग्नि दूत। राजकुमार चले गए तो हम ये स्वयंवर हार जाएंगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चुप कर तन मन धन लक्ष्मण, राजकुमार तुमको अभी नौकरी से निकालते हैं। अयो ऐसे ना मानेगा अग्नि दूत, तुम एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों साथ में दबाओ। जो आ गया राजकुमार। महाराज, हम पृथ्वी से आकाश कैसे पहुंच गए? बाबा, स्टेज पर चल रहे गोलमाल का राज बैक स्टेज जाकर ही पता चलेगा। जल्दी से सटक लीजिए राजकुमार। गोपू, ये तो पीठ दिखा के, मेरा मतलब है बाइक की पिछली सीट दिखा के भाग रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं प्रिंस माधव आनंद। ना राजकुमार, इतना दूर आए हैं तो थोड़ा मार खा के तो जाइए। अब रुकिए राजकुमार, इससे तो मैं निपटता हूँ। ये तलवार मुझे दे दे गोपाल। नहीं, ये तलवार मुझे दे दे गोपाल। नहीं, राजकुमार का हाथ मेरे हाथ में। ये क्या हो रहा है महाराज, हम आकाश से रेगिस्तान में कैसे आ गए? लोगों ने नया इतिहास रच दिया, अब ये स्क्रिप्ट किस काम की? आई एम विथ यू गोपाल जी। अब तुम घिर चुके हो। हमारे राजकुमार डरे हुए, जरा उनका चेहरा तो देख लो। अब तो इसको हरा कर ही इसका चेहरा देखूंगा। कहाँ चला गया वो घुसपैठ? अब ये पप्पी कहाँ से आ गए? वसूली, इतना बड़ा गोलमाल, आज तो इनको दिखाना ही पड़ेगा पप्पी का कमाल। जाने दो गोपाल जी, प्रिंस आनंद को अग्नि धूप के साथ जाने दो। नहीं राजकुमार, ये साजिश है आपको यहाँ से भगाने की। महाराज, अब रेगिस्तान में स्विमिंग पूल कहाँ से आ गया? बाबा, इस स्कूल का भविष्य बचाने के लिए मुझे एलियन अवतार लेना ही होगा। भविष्य के चंद्रयान से आया हूँ, वर्तमान से पर्दा हटाकर इतिहास रचने वाला हूँ। कुछ करिए महाराज। ये हो गया पर्दाफाश। वसूली भाई, अरे चंद्रयान के चंदू, राजकुमार हेलमेट नहीं उतार दे, उनको सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ, राजकुमार को जाने दो, उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। इनका इलाज तो अब यही होगा बाबा। एलियन की कठपुतली छोड़ दे मन्ने। भाई छोड़ भी दे। महाराज, ये क्या हो रहा है?
मुझे नहीं करना ऐसा ड्रामा जिसका ना कोई सर है ना कोई फैन। मैं चली। शो खत्म हो गया? नहीं छोड़ना। इन शैतानों ने मेरा शो और मेरा फ्यूचर दोनों बर्बाद कर दिया है। वसूली भाई को बचाना होगा। हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अभी अंधेरा करना होगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बच के जाएगा काम बाबा। वो मैनू पकड़ेगा। ये वसूली राजकुमार से राजमाता कैसे बन गया? फिर से हाथ से निकल गया रे बाबा। मेरे इतने अच्छे प्ले का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। वाह मिस तारा, क्या कमाल का शो पेश किया आपने। मैं तो हंस हंस के थक गया। एक्सलेंट प्ले। इस साल आपका प्रमोशन पक्का। हाय मैं मर जाऊं। प्ले तो हिट हो गया और मैंने प्रमोशन भी मिल गए। ओए 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 ओए। मैं तो तेनू देखते ही समझ गई थी कि तुसी ना कमाल डायरेक्टर हो। थैंक यू एंजी, थैंक यू। देखा तुम लोगों ने, मेरी एंट्री की वजह से प्ले हिट हुआ। मेरे ट्विस्ट की वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से। मैं हीरो हूं। मेरी वजह